साथियों, ये हरियाणा का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है डप नृत्य, जो की होली के अवसर पर किया जाता है। और ये पूरी टीम गांव फरक की डप नृत्य की पूरी टीम है, ये देखिए हमारे साथ में। और ये सर 1969 में पहली बार इस डप नृत्य को हरियाणा की ताकी में शामिल किया गया था। 1969 में पहली बार हरियाणा की ताकी में ये नृत्य शामिल किया गया था। उसके बाद प्रत्येक अवसर पर, होली के अवसर पर जिस तरह से ये नृत्य किया जाता है, देखिए पूरी टीम ये गांव फरक में विधायक पीताम्बर जी वाल्मीकि के कार्यालय में होली के अवसर पर डप नृत्य का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर इस डप नृत्य का आयोजन किया गया है। हमारे साथ ये पूरी टीम है डप नृत्य की, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हरियाणवी हाई फाई डप नृत्य खड़गपुरज। पूरी तरह से ये देखिए, मैं आपको प्रयास करूंगा, ये अतीत हमारे साथ है। बहुत ही देखिए ये नृत्य बहुत जबरदस्त नृत्य यहाँ पर डप नृत्य का आयोजन पूरी तरह से धूम धूम कर ये नृत्य पूरे हरियाणा में किया जाता है। और बावजूद इसके ये 2 सप्ताह तक लगातार चलता रहता है होली के अवसर पर, तो बहुत ही बेहतरीन नृत्य, ये झलक दिखाने का छोटी सी झलक आपके लिए ये प्रयास किया था, ताकि प्रत्येक बच्चे को हमारी संस्कृति का जुड़ने का ये बहुत पहली है, हमारे नृत्य शैली में आता है। पहली बार वर्ष 1969 में हरियाणा की धाती में इसे शामिल किया गया था। उसके बावजूद होली के प्रत्येक 2 सप्ताह पहले तक ये नृत्य चलता रहता है। और मैं सराय देना चाहूंगा हमारे विधायक जी को, जिन्होंने हर वर्ष होली पर इस नृत्य का आयोजन करते हैं, ताकि हमारी संस्कृति आने वाली पीढ़ी देखे और कुछ सीखे। क्योंकि साथियों, हम संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसी तरह हरियाणा सरकार ने जहाँ टेस्टों की परंपरा चलाई, टेस्ट के आधार पर नौकरी देने का जो फैसला लिया, उसमें हरियाणा संस्कृति से 25% पूछे जाते हैं और उनमें ढप नृत्य भी शामिल है। हमें गर्व की बात है, बहुत खुशी होती है। श्री अजीत सिंह खान धर्म ओमबीर गोबीबंद झिमर कहने का भी प्राय है कि इनकी पूरी संस्कृति देखो किस तरह सजा के रखा हुआ है, संजोए रखा है इस संस्कृति को। मैं इस पूरी टीम को भी धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह से जबरदस्त तालियों से स्वागत किया जाए। माननीय विधायक जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। मेरे घर में